हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस गेस करो ये क्या है। ये है इंस्टेंट पेड़ा जो मैंने बनाए हैं आज। तो मैं आपको इस रेसिपी को शेयर करती हूँ आगे वीडियो में, और तब तक आप मेरे चैनल को क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना मत भूलो। इस रेसिपी को बनाने में मुझे हार्डली 15 मिनट लगे हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगे हैं। तो आप इस रेसिपी को बना सकते हो और अपनी फ्रेंड्स फैमिली किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, और इसको टी टाइम में खाओ, आप कभी भी खाओ, ऐसा कुछ स्पेसिफिक टाइम नहीं है। मैं तो इसे वैसे भी कभी भी खा लेती हूँ, बिकॉज मीठा खाना मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा आज मैं बनाती हूँ, तो चलो लेट्स स्टार्ट। चलो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 कप मिल्क पाउडर, पहले ही मैंने मेजर करके रखा था। उसके बाद मैंने ऐड किया 1/3 कप मिल्क, फिर मैंने अपना स्पैचुला लिया और उसे घुमाती गई इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको अच्छा बनाने के लिए। और आपको अच्छा मिक्स करना होगा, यू हैव टू मिक्स इट वेरी वेल, ताकि ये एक अच्छा बैटर बन जाए। देखो अब बन रहा है ये बैटर। तो मैं इसे बस लगी हुई थी बनाने फॉर 2-3 मिनट्स, इसको मैंने अच्छे से मिक्स करती गई तो ये अच्छा इसका बैटर बन गया था। फिर उसके बाद मैंने एक पैन लिया और उसे हीट कर दिया और उसमें ऐड कर दिया 2 टेबलस्पून घी, और उससे बस थोड़ा सा टेम्परेचर पहले ज़्यादा था उसको मेल्ट करने के लिए, घी को मेल्ट करने के लिए। फिर उसके बाद मैंने ऑटोमेटिकली वो टेम्परेचर कम कर दिया, थोड़ा सा उसमें बॉयल जैसा आ गया था घी में। और उसके बाद उसको भी थोड़ा सा मैं स्टर करती गई और अच्छे से उसको मेल्ट कर दिया मैंने। फिर उसके बाद मैंने उसमें ऐड क्या किया, गेस करो मैंने क्या ऐड किया। उसके बाद मैंने ऐड किया अपना ये कंडेंस मिल्क 1/2 कप। तो बस उसको मैंने ऐड करा और देखने में ये इट वाज लुकिंग लाइक अ वाओ। आजकल मेरा ये डायलॉग बहुत फेवरेट हो गया है वैसे। तो ये मैंने पूरा 1/2 कप मिल्क में डाल दिया, जिसको हम अपना कंडेंस मिल्क भी कहते हैं। ये मैंने डाला और देखो इसकी थिकनेस ऐसे आ चुकी थी, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा स्टर करे जा रही थी। उसके बाद मैंने अपना जो बैटर मेरा जो पहले बनाया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो उसको अच्छे से मैंने पूरा निकाला, बिल्कुल एक अपनी गृहिणी की पहचान दिखाई और इसमें डाल दिया। तो इसको भी आपको मिक्स वेल करना है और मीडियम हीट पे, ज़्यादा आपकी फ्लेम नहीं होनी चाहिए, कम फ्लेम होनी चाहिए। अगर आप गैस पे कर रहे हो, मैं तो इसको इंडक्शन पे कर रही हूँ, तो मैंने कम रखा था, तो मैं 600-800 के बीच में करे जा रही थी, इससे ज़्यादा नहीं कर रही थी। तो बस इसको मैंने अच्छा करा ताकि वो बैटर थोड़ा थिकन, उसकी थिकनिंग हो जाए। उसके बाद मैंने 1/3 टीस्पून कार्डमम पाउडर डाला इसमें और उसको अच्छे से फिर से मिक्स करा। मेरा तो बस काम मिक्स करने का ही था, ज़्यादा नहीं था। फिर सैफ्रन मिल्क डाला, 8-10 जो मेरी स्ट्रैंड्स थी मैंने पहले ही डिप कर दी थी मिल्क में, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। वो उसको फिर मैंने मिक्स किया। बस उसको बस यही काम था, मुझे आज मिक्सिंग का ही काम था ज़्यादा, और जो भी मैंने पहले के ही इंग्रेडिएंट्स पहले ही रेडी कर लिए थे, तो मुझे आसानी हुई ये सब करने में। तो बस इसको मैंने अच्छे से मैं चला रही थी, देखो ये थिक हो चुका है, और इसको मैंने ठंडा करने के लिए छोड़ दिया। तो ये जब ठंडा हो गया था, उसके बाद मैंने बस कुछ नहीं, मैंने नेक्स्ट प्रोसेस शुरू किया जो कि था हमारा पेड़ा बनाने का, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। बट ये बैटर बनाना थोड़ा सा इट वॉज लिटिल टास्क, बट हो गया था। देखो ये जब ये ठंडा हो गया था तो ये खुद ही थोड़ा हार्ड हो गया था, थोड़ा थिकन हो गया था, तो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैंने इस पर अपने हाथों में घी लगाया और बस मैंने पेड़ा बनाना शुरू कर दिया। और पेड़ा बनाते बनाते बड़ा मज़ा सा आया, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम पेड़ा बनाया था और ये इंस्टेंट था, इसमें कोई मत्था पच्ची नहीं थी। थोड़ा सा मिक्स करने में वो हो रहा था, बट वो मिक्स करने में भी इतना सरदर्दी नहीं हुई। ऐसे तो आप कुछ भी मिक्स करते ही हैं वैसे भी। तो ये मेरे पेड़े रेडी हो रहे थे और देखने में मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे, और खाने में भी अच्छे ही थे, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को खिलाए और सबने कहा कि अच्छे थे। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पर बना सकते हैं और अपने बच्चों को खिला सकते हैं। बाहर की मिठाइयों खिलाने से अच्छा अपने बच्चों को घर पर बनाई हुई मिठाई खिलाइए, फैमिली को खिलाइए, और यस अपने व्रत में भी आप खा सकते हैं। फॉर सच मोर वीडियोज़ फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।